सर्विसिंग कंपनी से ब्रांड सर्विस है। आपके सामने एक वीडियो पेश करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कूलर को किस तरीके से खोला जाता है और बंद किया जाता है। को दिख रहा है इस वीडियो में, इसके टॉप बैक साइड के अंदर दो स्क्रू हैं, उन दोनों को हम पेचकस और टेस्टर के साथ सारे से इसको खोल लेंगे। जैसा कि आपको बैक साइड के पैनल में दिख रहा है कि यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है और दूसरी तरफ भी ओपन लिखा हुआ है। इसको हम अंगूठे के सहारे से अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और छत को पकड़ के ऊपर की तरफ करेंगे। तो इसके जैसा कि आपको साइड पैनल में ये दिख रहे हैं लॉक्स तीनों, ये भी आपको ओपन करना मैं अभी आपको बता रहा हूं। इनको भी जिस तरीके से हमने बैक साइड का पैनल खोला था, उसी तरीके से हम अंगूठे का जोड़ लगा के और खोल लेंगे। इस तरीके से हमारा ये पैनल खुल जाएंगे। इसमें किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी और आप इजीली इसको ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से ये वीडियो आपको बताएगा कि हम कैसे कूलर को ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने कूलर के दूसरे साइड का पैनल भी खोल लेंगे। फिर जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे बैक पैनल टैंक के अंदर स्क्रू के सहारे से कसा हुआ रहता है, तो उसे आप इजीली ओपन कर लें। दोनों तरफ के स्क्रू खोलने के पश्चात आपको अंगूठे से ये बॉडी का पार्ट अंदर की तरफ प्रेस करना है और धीरे से इसको खींच लेना है। ये पंप हमारा टैंक के अंदर दो स्क्रू के सहारे कसा रहता है, जिसे हम टेस्टर और पेचकस के सहारे से खोल लेंगे। ये हमारा पंप जो है टैंक से बाहर आ गया है, जिसे हमें साफ करके वापस से लगा देना है। ठीक है, ये पंप जो जाम हो गया है उसको हम टेस्टर के सहारे से इस तरीके से ओपन कर लेंगे। और ये जो हमारा इम्पेलर का कवर है, इसको भी हम टेस्टर के सहारे से इस तरीके से ओपन कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो पंप है ये जाम हो गया था, क्योंकि इसके अंदर कचरा भर गया है। इस कचरे को हम टेस्टर के सहारे से और साफ पानी से साफ कर लेंगे। इसे हम साफ पानी से धो देंगे और इसका सारा कचरा साफ कर देंगे। ये हमारा पूरी तरीके से साफ हो गया है, सारा कचरा हमने इसमें से निकाल दिया है। फिर ये कवर, इम्पेलर कवर, इसको हम वापस से इसके अंदर फिट कर देंगे।
और ये इसका जाली वाला कवर जो है इसे भी हम फिट कर दें। फिर ये हमारा पाइप जो है वो हम इसके अंदर वापिस से लगा देंगे और इसको दोबारा से टैंक के अंदर सेट करके स्क्रू लगा देंगे। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रे के अंदर जिससे हमारे पेड़ पे पानी आता है उस पर हम इसको पाइप को दोबारा साइड पैनल वापस से इसमें कर देंगे और इनके लॉक्स को जो है वो टेस्टर के सहारे से और हम कस देंगे। ये हम इजीली इसके लॉक्स वापिस से सेट कर लेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही इजीली लॉक्स सेट हो जाते हैं कूलर के अंदर। इसी प्रकार से हम दूसरे साइड का भी जो पैनल है वो कूलर के अंदर सेट कर देंगे और वही टेस्टर के सहारे से इसको लॉक्स को वापस से सेट कर देंगे। फिर ये पैनल जो है आपका टॉप साइड का इसको हम सेट कर लेंगे टेस्टर के सहारे से। और स्क्रू को हम फिर से कस देंगे। इस वीडियो में आपने देखा कि हमने कूलर को किस तरीके से ओपन किया है, उसका पंप साफ किया है और हमने उस कूलर को वापस से कैसे रीपैक किया है। इसी के साथ मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है कि अपने कूलर को हफ्ता 10 दिन के अंदर जरूर से जरूर ड्रेन करें जिससे उसके अंदर किसी भी प्रकार की खराश ना जमे और वह आपको एक लंबे समय तक बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सके जैसा कि सिम्फनी आपको प्रोवाइड कर रही है। अंत में मैं रवि सोनी